कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वजीर अनुप्रिया पटेल ने आज ओल्ड एज होम का इफ्तिताह वाइल गांधरबल में किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों से भी गुफ्तगू की। थैंक यू मैम। को हमारी तरफ से सर्विस की जरूरत है और उसमें हमने अभी 25 के लिए मैम फैसिलिटीज रखी है और वी विल ट्राई यहाँ से एक्टिविटीज मैम हम वो शिफ्ट वहां से करेंगे। तो मैं आपसे मैम ज्यादा टाइम नहीं लूं तो उसी हिसाब से मैं आपको शुक्रिया कर रहा हूँ। तो आपने अपनी कीमती टाइम छोड़ के यहाँ पे हमारे पास आ गए और इनको जो हमारे अनुप्रिया जी MOS इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डेप्यूटी कमिश्नर गांधरबल शांति जी SSP गांधरबल निखिल बोरकर जी डायरेक्टर ओ समी जी ADDC और यहाँ निरंतर आप देख रहे हैं कि भारत सरकार के जितने भी मंत्री गण वो आप सबके बीच आ रहे हैं। आज मैं भी उसी क्रम में आप सबके बीच यहाँ पहली बार गांधरबल में आई हूँ। जम्मू कश्मीर में पहले भी आ चुकी हूँ लेकिन अलग अलग जिलों में गई। आपके इस जिले में गांधरबल में मैं पहली बार आई और मेरे जाने के बाद भी और भी मंत्रिमंडल के सदस्य जो है वो आपके बीच आएंगे। अभी कुछ ही दिन पहले माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी आप सबके बीच आए थे और इस प्रकार लगभग 70 हमारे मंत्रीगण है जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग जिलों में आम जनता के बीच में निरंतर जा रहे हैं। लगातार ये दौरे रुक नहीं रहे और हम आपके बीच बार बार आ रहे हैं तो आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आ रहे हैं कि आप सबके जीवन को बेहतर बनाने के लिए और जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। हमने ये तय किया है, ये हमारा संकल्प है, ये हमारी प्रतिज्ञा है और इससे हम कतई पीछे नहीं हटेंगे। कोई बात नहीं, हम करेंगे। हमारे सबकी चुनौती DDC चेयरपर्सन मैडम नितिन स्पार्क जी, मेरे साथी SSP गांधरबल और ADDC साहब और आप सभी वृद्धजन जो यहाँ पर आए हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैडम को खास करके धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए और आप सब लोगों के लिए।